तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू अनदर वीडियो। आज हम जिम वगैरह नहीं करेंगे, ना ही वर्कआउट का दिखाएंगे। आज बहुत दिन बाद यहाँ पे धूप आया है, बहुत दिनों के बाद धूप देखने को मिला है। तो आज आप लोगों को हम ऊटी दिखाएंगे, ऊटी की रोड दिखाएंगे, प्लेस दिखाएंगे हम। यहाँ पे बहुत अच्छे ही जगह देखने को है, टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है। एक बार आपको ज़रूर यहाँ आना है, विज़िट करना है। दीदी हमारी वहाँ पे शूट कर रही है तो बोला कि चलो आज धूप पड़ा है, थोड़ा सनसेट आया है तो थोड़ा घूम के आते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको आज हम ऊटी की शेयर कराते हैं। तो बहुत देखा हमने, वर्कआउट वगैरह जिम वगैरह देखा, तो आज फ़िलहाल हम जिम से बाहर कुछ हट के वर्कआउट छोड़ के, तो आज हम दिखाएंगे आपको ऊटी का प्लेस, अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। देखना, देखने के बाद भाई जगह प्लेस कैसा लगा हमारे को कमेंट करना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, ताकि हम आगे ऐसी वीडियो बना सकें। यहाँ हमारी सिस्टर उस तरफ रोड पे शूट कर रही है और मैं इधर अपना शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे, आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको दिखाते हैं, आज ऊटी टूर कराते हैं आपको। थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा छोटा ब्लॉग बनाएंगे, और कंटिन्यू बने रहना, आप देखते रहना ऊटी कैसी प्लेस है। घर सब नीचे जाएगा गिर के, कैरेट निकलने के बाद यहाँ पे वॉश करते हैं कैरेट को।
देखो वो घर दिखा, वो वाला मंच कलर आ समझ नहीं पाएंगे, येलो लाइट येलो। भाई व्यू देखिए इस तरफ का, क्या ही सीन है यार, क्या ही व्यू बना है यार इधर। यार एक तो ठंडा ऊपर से थोड़ा बहुत आया था वो भी चला गया, अब दिखाते हैं आपको हम यहाँ का सीन कैसा है। ऊटी का बहुत ही ठंडा ही क्लाइमेट है। खैर भाई हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं तो दिखाते हैं आपको, कंटिन्यू बने रहिए, आपको दिखाते हैं ऊटी की क्लाइमेट आज। देखिए भाई ऊटी फुल वॉच कीजिए ऊटी को आज। देखिए ये घर बना है पता नहीं कितने दूर में और कितने ऊपर बना है भाई, बहुत ही ऊपर बना है। घर लैंडफॉल होगा तो नीचे आएगा सीधा ये। देखिए भाई सीन देखिए, क्या ही क्लाइमेट है और क्या ही सीन है। ये तो बिल्कुल पता नहीं चाय के पत्ती का बगान बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है। डेली भी आ रहे देख रहे हैं लोग उधर काम कर रहे हैं चाय की बगान पे, देख लीजिए। और देख लीजिए दीदी वहाँ शूट कर रही है बैठ के, पता नहीं क्या शूट कर रही है, अपने पिक वगैरह उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या ही सीन है ऊटी का। आप आइए एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करने आइए भाई, ज़रूर आइए, ठंड का मज़ा लीजिए। गर्मी में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंड रहता है तो कंट्रोल हो सकता है। तो देखिए भाई क्या ही सीन है। ओ वाह धूप आ गया भाई, धूप आ गया, बहुत दिन बाद धूप आ रहा है आज, बहुत ही खुशी हो रही है धूप देख के। रोड देखिए भैया की, बहुत ही अलग ही सीन है यहाँ का, बिल्कुल ही अलग सीन है भाई। देखिए क्या ही सीन है यार। तो गाइस देखिए कंटिन्यू हम आए हैं यहाँ पे घूमने आज, बहुत ही बेहतरीन जगह है। दीदी आगे जा रही है, बाकी मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ आप लोगों की ये शूट कर रहा हूँ। देखिए जगह क्या मस्ती प्लेस है यार, बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस है। सामने एक रेस्टोरेंट है, शायद कॉफ़ी वॉफ़ी पिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों क्या ही क्लाइमेट है, क्या ही प्लेस है यार, देखो बहुत अच्छा प्लेस है यार। यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करें आप लोग, ज़रूर आना घूमने के लिए क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस और बहुत अच्छी जगह है ये ऊटी। ऐसे ही नहीं बोला जाता है ऊटी, टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इंडिया तो छोड़ो बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं। दीदी वहाँ पे शूट करे, ये सामने एक रेस्टोरेंट है, लोग बैठे हैं, शायद हम इसके अंदर जाएँ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे कुछ, देखते हैं आगे। आप कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए भाई, देखते रहिए। कॉटेज है, होटल है, होटल मयूर सुदर्शन। देखिए यहाँ के क्लाइमेट देखिए, मयूर सुदर्शन हम यहाँ पे आए आज कॉफी पीने के लिए। और माशाल्लाह यहाँ एक बढ़िया सा कॉफी मारेंगे फिर चलेंगे। क्या ही सीन है यार, क्या बताएं तुम्हें। नीचे गार्डन एक है, कर्नाटका गार्डन बोलते हैं शायद इसको, हाँ कर्नाटका गार्डन है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छा जगह है भाई, बहुत ही गुड प्लेस है यार, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। एक बार ज़रूर आप लोग विज़िट करना चाहिए यहाँ पे, मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो पे आके कि ज़रूर एक बार विज़िट करो, आके देखिए यहाँ का क्लाइमेट देखिए, जगह देखिए, प्लेस देखिए, क्या ही मस्त सीन है, सब बढ़िया एरिया है। सामने एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग बैठे हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए और हम भी कॉफ़ी ऑर्डर किए हैं तो कॉफ़ी एक पियेंगे
थोड़ा बॉडी बहुत ठंड हो चुका है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, ठंड इतना ज़्यादा ठंड है कि क्या ही बताएं। तो देखिए भाई लोग, क्या ही प्लेस है ऊटी, क्या ही मस्त जगह है यार। यहाँ पे सामने पीछे मेरे एक रेस्टोरेंट है, देखो यहाँ पे कॉफ़ी थोड़ा पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, टाइम भी हो गया है काफ़ी। यहाँ से जाने के बाद फिर जिम निकलना है। तो देख लीजिए भाई प्लेस कैसा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा प्लेस है यार, ज़रूर एक बार आए घूमने यहाँ पे। हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे एक बार ज़रूर घूमने आए लाइफ में, और मज़ा लीजिए, ऊटी इन्जॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग सारे आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। देखते रहिए कंटिन्यू, क्या ही जगह है ये। सामने देख रहे हो भाई, बिल्कुल पहाड़ वगैरह है, मस्त प्लेस है ये। ये देखिए अब हम जाएंगे अंदर, कॉफ़ी पियेंगे, देखेंगे क्या सीन है। फाइनली गाइस हमारा कॉफ़ी आ चुका है और हम कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीते ही यहाँ से निकलेंगे सीधा घर, तो यहाँ से सीधा घर निकलेंगे कॉफ़ी पीते ही। भाई ठंड में कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा है ठंड में कॉफ़ी पीने का भाई। तो कंटिन्यू कॉफ़ी पीने के बाद हम निकलेंगे फिर अपने घर। कॉफ़ी ख़त्म हो चुका है, हम निकलेंगे घर, सीधा यहाँ से जाएंगे, पहले स्कूल जाएंगे, प्रिंस को पिकअप करेंगे, फिर उसके बाद सीधा रूम पे जाएंगे। तो देखते रहिए आप सीन कैसा है। ये कॉटेज वगैरह देखिए, ये भी कॉटेज वगैरह, यहाँ पे लोग आके रहते हैं। तो हम चलते हैं फिलहाल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऊटी अच्छा लगा हो, ऊटी की टूर अच्छी लगी हो, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, क्योंकि बहुत दूर आके हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को हम ऊटी दिखा सकते हैं। तो कंटिन्यू आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय एंड टेक केयर माई व्यूअर्स।